हम भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सलेंस और एम्पथी के लिए जाना जाता है। हम दुनिया में जहां भी जाते हैं, हम भारत के लोग मैक्सिमम एफर्ट्स करते दिखाई देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो, केयर गिवर्स हो या हमारा सर्विस सेक्टर हो, भारतीय अपने एफर्ट्स से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि मैं किसी तीसरे देश की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भारतीय एक्सलेंस के लिए भी पहचाने जाते हैं। आईटी सेक्टर हो या भारत के डॉक्टर्स हो, सभी अपने एक्सलेंस से छाए हुए हैं। और कितना बड़ा ग्रुप तो मेरे सामने ही मौजूद है। साथियों, हम भारतीयों की एक पहचान एम्पथी भी है। दुनिया के किसी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कोविड आया, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की,
वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी, आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। यानी पोलैंड ने पूरे मन से हमारे बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज भी जब मैं यूक्रेन से लौटे बच्चों से मिलता हूं तो वे पोलैंड के लोगों की और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। और इसलिए आज मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का, पोलैंड के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, भारत और पोलैंड के समाज में अनेक समानताएं हैं। एक बड़ी समानता हमारी डेमोक्रेसी की भी है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही, एक पार्टिसिपेटिव और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी है। भारत के लोगों का डेमोक्रेसी पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। ये इतिहास के सबसे बड़े चुनाव थे। अभी यूरोपियन यूनियन के भी चुनाव हुए हैं। इसमें करीब 180 मिलियन वोटर्स ने वोट डाले। भारत ने इसे तीन गुना से अधिक, करीब 640 मिलियन वोटर्स ने वोटिंग की है। भारत के इन चुनावों में हजारों पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया। करीब 8,000 कैंडिडेट्स मैदान में थे। 5 मिलियन से ज्यादा वोटिंग मशीन्स, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग स्टेशन्स, 15 मिलियन से ज्यादा कर्मचारी। इस स्केल का मैनेजमेंट, इतनी एफिशिएंसी और चुनाव पर इस लेवल का ट्रस्ट, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया को ये लोग जब ये आंकड़े सुनते हैं ना, तो उनको चक्कर आ जाता है।